told your friend you're not okay. सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू यूनिक वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ घरेलू काफ़ी सारे जो है हैक्स, जिससे आप अपने घरेलू काम को बहुत ही इजी कर पाएंगे और इससे आपको कोई पैसे वैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर इसी सामान से ही हम अपने सारे जो छोटे मोटे काम है वो पूरे कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट हैक हमारा ये है कि हमारे पास बॉक्स में बहुत सारी रील्स रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं और उसकी जो थ्रेड, उसका धागा जो होता है, एक दूसरे की रील में मिक्स हो जाता है और फिर हमें उसको जो निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सारे धागे एक दूसरे के साथ मिलने के कारण वो जल्दी से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमको इसमें। और हम ही सोचते कि इसको किस तरीके से सुलझाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ये फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है, तो वो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई जो आपके पास रील्स हो उसमें आपने क्या करना है, एक नाइफ़ लेना है और उस नाइफ़ के ऊपर के हिस्से पर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर के हिस्से में आपको एक कट मारना है। जैसे कि आपने देखा होगा आईब्रोज का जो धागा होता है ना, उसमें एक कट पड़ा होता है ऊपर जिससे हम धागे को फंसा देते हैं, सेम वही ट्रिक हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है और उसमें हमें कट मार देना है नाइफ से। बहुत ध्यान से करें और केयरफुली करें। अब देख सकते हो कि जैसे एक लाइन सी बन गई है जिसमें हम धागे को फंसाने वाले हैं। तो यस गाइस, अब ये धागा लेंगे जो रील में बचा हुआ है, वो हम धागे को इसमें फंसा देंगे बहुत अच्छे से और उसको खींच देंगे हल्का सा ताकि वो टाइट हो जाए और वो जो धागा नहीं फंसे एक दूसरे के अंदर। इसी तरीके से हम सारी रील्स में कर देंगे। तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला हैक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको ज़रूर यूज़ करना। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट हैक है माचिस का बॉक्स। तो आपने देखा होगा कि हम जब ज़्यादा देर दिनों तक माचिस बॉक्स को रखते हैं घर में, तो थोड़ी सी सीलन लगती हैं और वो जलाने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ख़राब होने के कारण हमें पूरा बॉक्स जो है वो फेंकना पड़ता है, या तो फिर उसको धूप में रखो तब जाके वो ठीक होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मैच बॉक्स जो हमारा है वो ख़राब ना हो, उसके लिए आप लेना है चावल। यस गाइस, आपने थोड़े से चावल लेने हैं और मैच बॉक्स के अंदर डाल देना है। इससे डालने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपके जो मैच बॉक्स की स्टिक्स है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सीलेंगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपको उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली और वो बहुत अच्छे से जल जाएगी। तो चलिए जलाकर देखते हैं एक मैच बॉक्स की स्टिक। तो आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने जला के आपको दिखा दिया। तो गाइस, आपको यही करना है कि आपको उसके अंदर थोड़े से चावल डालने हैं। जो चावल होता है, जो स्टिक का जितना भी मॉइस्चर होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी माचिस ख़राब नहीं होती है। सो गाइस, नेक्स्ट हैक हम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ सैनिटाइज़र का यूज़। यस गाइस, अक्सर आपने क्या किया होगा कि इस चश्मे को साफ़ करने के लिए आपके पास एक क्लीनर आता होगा लिक्विड में, उससे साफ़ करते होंगे। तो गाइस, आज आपको बताने वाली हूँ कि आप सैनिटाइज़र से भी अपने चश्मे को क्लीन कर सकते हैं। यस, और ये बहुत हाइजीनिक है, आपके चश्मे में जितने भी जम्स होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे और आपका चश्मा भी क्लीन हो जाएगा। आप इससे रिमोट वगैरह भी यूज़ साफ़ कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें जो कांच की हैं वो यूज़ करके आप इसको साफ़ कर सकते हो। और आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हो या फिर कॉटन का कपड़ा, जो मैंने लिया है ये कॉटन का कपड़ा है। इससे बहुत ही अच्छे से जो आपका जो चश्मा है, स्पैक्स है, वो सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको चश्मे को क्लीन कर लिया। ये मेरी बेटी का चश्मा है तो वो लगाती रहती है अक्सर, तो आपको देखिए कि बहुत ही प्यारा जो चश्मा है लगने लगा है और देखिए कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल आर पार अच्छे से शाइनिंग आपको दिख रही होगी। तो गाइस, कैसा लगा ये हैक आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। सो गाइस, आपने देखा होगा कई जो टेप है, जो जिनके जो लास्ट का जो पॉइंट होता है वो ओपन करने में बहुत दिक्कत होती है और वो एक साथ जब चिपक जाता है तो वो मिलता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप कोई भी रबर ले सकते हैं या कोई थ्रेड या कोई धागा ले सकते हैं और आप जो उसकी एंड पॉइंट पे वो आप उसको चिपका दीजिए वहाँ कॉर्नर पर इस तरीके से, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस रबड़ को निकाल के टेप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो आप धागे का भी यूज़ कर सकते हो। तो गैस अब मुझे तो ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसका ये हैक निकाला है। अगर आपको ये हैक अच्छा लगा तो आप भी यूज़ करके देखना, आई एम श्योर आपको ये वाला हैक भी बहुत पसंद आने वाला है। सो गाइज, आपने जब भी देखा होगा कि जब हम आटा चालते हैं तो वो जल्दी से नहीं छनता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार हमें हाथ लगाकर भी इस आटे को छानना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, कुछ सिक्के लेने हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और सूखे कपड़े से आप उसको पोंछ लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने छलनी के अंदर उस आटे के साथ उसको मिक्स करना है और फिर छानना है। इससे क्या होगा कि जो आपका आटा है ना, एक सेकंड में छन जाएगा गाइज, और बहुत ही ईजिली आपका जो आटा है बहुत जल्दी छन के थाली में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत ही ईजी हो जाता है इससे हमारा आटा छानना। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.